ईवी कार 60% ज्यादा पॉल्यूशन फैलाती है, 60% ज्यादा कार्बन एमिट्स करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करती है एनवायरमेंट के अंदर। ईवी क्या एक्चुअली ग्रीन है? क्या ईवी पॉल्यूशन नहीं फैलाती है? क्या आईसी इंजन ज्यादा पॉल्यूशन फैलाता है एक ईवी के कंपैरिजन में? हेलो गाइस, मेरा नाम है राहुल, आप देख रहे हैं पीआरजी व्लॉग। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या ईवी पॉल्यूशन करती है, क्या ईवी कार्बन एमिट्स करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करती है। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें किसी भी कार जो मैन्युफैक्चर होती है, एक असेंबली लाइन में होती है, चाहे वो आईसी इंजन हो चाहे वो ईवी कार हो। आईसी इंजन का मतलब होता है इंटरनल कंबशन इंजन, ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब जो हमारा आईसी इंजन है उसको एक कार को मैन्युफैक्चर करने में 7 से 8 टन CO2 एमिट्स होती है हमारे एनवायरमेंट में। यहीं पर अगर हम एक ईवी को मैन्युफैक्चर करते हैं वहीं पर सेम 7 to 8 टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिट्स होती है। लेकिन दोनों चीजें सेम है तो हम बोलते हैं कि ईवी ज्यादा सेफ है, कार्बन डाइऑक्साइड ये ज्यादा रिलीज करता है आईसी इंजन। देखो, अभी हमने बैटरी के बारे में बात नहीं करी थी। ईवी के अंदर ना कुछ रेयर मेटल यूज होते हैं, जैसे लिथियम है, जैसे निकल है, जैसे कोबाल्ट है। उनको हमें अर्थ में से निकालना पड़ता है, एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। अब एक्सट्रैक्ट करने में एक प्रोसेस है, वो बहुत ज्यादा हमारे लिए हार्मफुल होता है, खासकर जब उसको हम प्रोसेस करते हैं, जब उसको रिफाइन करते हैं, तो वो चीजें बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती हैं। कैसे रिलीज करती हैं? जितनी भी माइनिंग में मशीनें लगी हुई हैं वो डीजल पावर हैं, जितनी भी प्रोसेस प्लांट है वहां भी काफी ज्यादा जो उसको रिफाइन कर रही है वो भी डीजल से कहीं ना कहीं चल रहा है। काफी ज्यादा जितना भी लिथियम हम एक्सट्रैक्ट करते हैं काफी सारी कंट्रीज से, वो सारी चीजें ज्यादातर चाइना में जाती है रिफाइन होने के लिए और वापिस चाइना से कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट होती है। अब ये जो आने जाने में शिप यूज होती है उसमें भी डीजल यूज होता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। यहीं पर अगर हम कंपेयर करें कि अगर एक बैटरी जो लगती है ईवी कार के अंदर, अगर वो 60 किलोवाट की अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे ले, तो वो एमिट्स करती है 16 to 18 टन कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब ये बहुत ज्यादा है एक आईसी इंजन से, चाहे वो पेट्रोल हो चाहे वो डीजल हो। देखो, फिर भी लेकिन हम बोलेंगे कि जो आईसी इंजन है वो ज्यादा पॉल्यूशन करता है, क्योंकि उसके अंदर टेल पाइप है जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और मैनी हार्मफुल गैसेस को रिलीज करता है। लेकिन ईवी के अंदर नो टेल पाइप एमिशन है। लेकिन फिर भी क्या ईवी पूरी तरह से पॉल्यूशन फ्री है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो ईवी को चार्ज करने में हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं वो कहां से आ रही है? देखो, इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली हम कोल से प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रो पावर से प्रोड्यूस करते हैं और विंड से प्रोड्यूस करते हैं और सोलर से करते हैं और मेनी रीजंस होते हैं। देखो, जो फ्री एनर्जी है जिसमें पॉल्यूशन नहीं है, चाहे वो सोलर हो, चाहे वो वाटर से हो, चाहे वो विंड से हो, अगर वहां से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो वो बिल्कुल सेफ है, वो पॉल्यूशन बहुत ही कम करेगी और ना के बराबर करेगी। यहीं पे अगर हम अपनी कार को जो चार्ज कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज कर रहे हैं, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में कोल से आ रही है तो वो ऑलरेडी पॉल्यूशन कर रही है। इंडिया के अंदर अगर बात करी जाए तो 75% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कोल से प्रोड्यूस होती है, और यहीं पे अगर 25% की बात करी जाए जिसमें विंड पावर आती है, सोलर है, वाटर है, वो सारी चीजें उसके अंदर आती हैं। तो एक ईवी कार जो है वो फुल्ली आप बोले कि वो पूरी ग्रीन है, पॉल्यूशन फ्री है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात करें कि 15 साल आप आईसी इंजन को चलाओ, 15 साल आप ईवी कार को चलाओ 15 साल, तो यार देखो, कंपेरिजन में ईवी कार कम पॉल्यूशन करेगी। अगर हम चाहते हैं कि ईवी हमारी ग्रीन बने तो सबसे पहले हमें जो इलेक्ट्रिसिटी हम जो उसको चार्ज करने में यूज कर रहे हैं उसको हमें ग्रीन करना पड़ेगा। अगर हम बात करें नॉर्वे की, तो वहां पे 99% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्री सोर्सेज से आती है, फ्री एनर्जी से आती है, लाइक सोलर, लाइक विंड, लाइक वाटर। यहीं पर अगर हम बात करें आइसलैंड की, तो वहां पे 100% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्री एनर्जी सोर्स से आती है। इंडिया के अंदर अभी भी हमारी जो डिपेंडेंसी है कोल के ऊपर वो 75% है, वो बहुत ज्यादा है। अगर हमें ईवी को ग्रीन करना है तो हमें अपनी इलेक्ट्रिसिटी को भी ग्रीन करना पड़ेगा, जिसको हम प्रोड्यूस कर रहे हैं कोल से, तो इसका परसेंटेज हमें धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। अब ये कैसे कम होगा? हमें मास लेवल पे सोलर पावर प्लांट लगाने चाहिए, हमें मास लेवल पे हाइड्रो क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी चाहिए, हमें बहुत ज्यादा विंड एनर्जी को प्रोड्यूस करना चाहिए, जिससे हम कार्बन एमिट्स कम से कम करें, तभी जाके हम बोल सकते हैं कि एक ईवी जो है वो ग्रीन है, वो पॉल्यूशन फ्री है। लेकिन अगर हम उसको कोल इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज कर रहे हैं, जो कोल से प्रोड्यूस हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन फैला रही है। हाँ, टेल पाइप आपका पॉल्यूशन नहीं फैला रहा है, लेकिन जो प्लांट है, थर्मो पावर प्लांट है, वो तो एनवायरमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं, हार्मफुल गैस को रिलीज कर रहे हैं। तो देखो, अभी भी अगर हम बोलेंगे कि ईवी कार
बेटर हैं आईसी इंजन से, बिल्कुल बेटर हैं। लॉन्ग टर्म में ईवी कार सच में बेटर है, लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करी जाए तो ईवी कार 60% ज्यादा पॉल्यूशन फैलाती है, 60% ज्यादा कार्बन एमिट्स करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करती है एनवायरमेंट के अंदर। ये थी मेरी तरफ से एक छोटी सी वीडियो ईवी के ऊपर और आईसी इंजन के ऊपर कि कौन सा बेटर है। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मैं आपके हर कमेंट रिप्लाई करता हूँ। एक चीज फिर से बोलूंगा, वीडियो बनाने में सच में बहुत मेहनत लगती है, एक लाइक एक सब्सक्राइब करके जाइए।